जगन्नाथ स्वामी नयन पथ कहते हैं नृत्य में ऐसी शक्ति है कि वो चमत्कार कर सकती है और ऐसे ही नृत्य की शक्ति हमें देखने को मिली नवमी 2024 में। जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और यहाँ पर डांस गुरु शाश्वत जोशी अपनी लास्ट कला एकेडमी का 9वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं नवमी के रूप में। यह लास्य कला अकादमी का एनुअल डे। 2 दिन के फंक्शन में ओडिसी डांस का हर प्रकार दिखाया जाता है और साथ साथ फोक डांसेस भी दिखाए जाते हैं। वही इस मौके पर लास्य कला अकादमी के सभी स्टूडेंट्स अपना बेहतरीन डांस दिखाते हैं, लेकिन दिल को छुआ वो लम्हा जब रश्मि, जिसके बारे में सब कहते थे कि ये डांस नहीं कर सकती, उन्होंने एक हृदय को छूने वाला नृत्य किया डांस गुरु शाश्वत जोशी के साथ। डांस के ऐसे बेहतरीन लम्हे नवमी के इस मंच पर दिखाई दिए जो हुए GKCM ओडिसी रिसर्च सेंटर में। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने डांसर्स ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए। इस बार थीम का खास मौका था डांस में मेल डांसर्स का योगदान, जिस पर हुए विचार विमर्श। और ये सब लेकर आए हैं डांस गुरु शाश्वत जोशी, जिनकी जिंदगी का लक्ष्य है कि नृत्य को जीवन का अंग बना लिया जाए। तो जानते हैं शाश्वत जोशी से उनकी इस नृत्य साधना के बारे में।
कि मैं एक ओडिसी डांस जैसे क्लासिकल डांस को मैं बिलोंग्स करता हूँ और इसी को प्रमोट हर जगह पर करता हूँ। वेल आज वर्ल्ड डांस डे के अवसर में हम लोग मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है लास्ट कला उसके 9th एडिशन एनुअल डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं एंड विद दैट एडिंग टू दैट वी आर सेलिब्रेटिंग एकलव्य ट्रिब्यूट टू गुरु शिष्य परंपरा। एकलव्य महाभारत के एक महान हस्ती हैं जिसके बारे में आप हर कोई जानते हैं और सबसे बड़ी बात है उनका जो धैर्य और उनका जो संस्कार और उनका जो गुरु के लिए भक्ति उसको कौन नहीं जानता, इसीलिए एकलव्य अवार्ड सेरेमनी आज सेलिब्रेट किया गया है और उड़ीसा के 6 यंग एमिनेंट फेमस ओडिसी मास्टरों को हम लोग आज एकलव्य अवार्ड से लाक्षकला की तरफ से हम लोग उनको सम्मानित किए हैं। लाक्षकला टीम का सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामना। शाश्वतदा को थैंक यू क्योंकि शाश्वतदा हमेशा कुछ इनोवेटिव चीज़ करते रहते हैं और हमें इनकरेज करते रहते हैं और आर्टिस्ट के लिए और आर्ट फॉर्म को ग्रोथ करने के लिए आगे लेने के लिए उनका प्रयास बहुत ही निहारा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमेशा वो मुझे सपोर्ट करते आए हैं और इनकरेज कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म में मुझे इस सम्मान में सम्मानित किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सरसुदा एंड लाक्षक कला टीम। प्रोग्राम करते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे को लेकर, ये सिर्फ डांस नहीं है, ये हार्ट का कनेक्शन है जैसे मैंने देखा अभी आज देखा, इसलिए इतना काम करते हैं और बॉयज़ के लिए जो मेल डांसर के लिए ये इतना प्रेरणादायी होते हैं, उनका बाद भी इतना प्रेरणादायी होता है कि इसलिए मैं उनको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता हूँ कि ये ऐसे करते रहे। ओडिसी डांसर ओडिशा के बाहर ओडिसी को प्रमोट करना और ओडिसी को लेके आगे बढ़ना, ये अवार्ड मेरे लिए एक माइलस्टोन है और मुझे एक प्रेरणा मिलेगा कि और भी मैं आगे बढ़ूं और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आज मिला, तो ये अवार्ड को लेके और भी मेरा ओडिसी को लेके जो सपना है मैं आगे बढ़ूँगा। थैंक यू सातसुत सर। वैसे इस मौके पर शाश्वत जोशी ने ना सिर्फ स्पेशल बच्चों को नृत्य कराया बल्कि ट्रांसजेंडर्स और ढेर सारे ऐसे लोगों को डांस कराया जिसके बारे में जो कभी समाज इजाज़त नहीं देता। मैं लाक्षकला को तो मतलब जानती हूँ, बहुत दिनों से जानती हूँ, शादी के बाद तो मैं जुड़ गई हूँ यहाँ पे। बोलना चाहूँगी जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं मेरी बेटी का एडमिशन करवाना है, हम पूछते हैं आपके कितने बेटा बेटी, तो बोलते हैं कि बेटा है लेकिन मैडम बेटा कहाँ करेगा। मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो हम 6 डांसर्स को मेल डांसर्स को हमने अवार्ड दिया, अवार्ड तो बहुत बड़ी बात है लेकिन इनको देख के शायद हो सकता है कि पेरेंट्स भी इंस्पायर्ड हो जाएं और उनको भी लगे कि नहीं बेटी ही क्यों जाएगी बेटा भी जाएगा। शायद लग रहा है कि इसके बाद वो भी मतलब मन करेंगे कि दोनों लड़का लड़की दोनों को इंस्टीट्यूट में छोड़ने के लिए, ये नहीं कि बस लाक्षकला में कहीं भी आप सिखाएं लेकिन लड़के को भी डांस सिखाएं। सुनो हे श्री कृष्ण का जन्म जिन्हें खंडीब भव ब्रह्म सूर्यंक तहु षड़ ऋतु प्रकाश जन सुख हेतु ऋतुंक मध्ये श्रेष्ठ वर संपूर्ण वर सार काल गभीर घोर मेघ। पूर्वजों को देखेंगे हमारे जो ओडिसी डांसर का जो फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो हर गुरु जो थे पुरुष थे, हाँ वो तो पुरुष ही थे, वो मेल ही थे, मगर उसके बाद सोसाइटी ऐसे चेंज होते गया कि सिर्फ फीमेल ही डांस करने लगे, मेल डांसर्स विलुप्त हो गए, फिर थोड़े थोड़े करके मेल डांसर्स आगे आने लगे। मगर अब भी क्या होता है, अभी भी डांस अगर कोई प्रोफेशन लेना चाहे तो सब पूछते क्या तुम डांस करोगे, मतलब मेल हो डांस करना चाहते हो। और सबसे मजे की बात है कि अगर एक फीमेल डांसर एक मेल का कैरेक्टर करता है तो सब बोलते वाह क्या किया,
मगर एक फीमेल का कैरेक्टर अगर एक मेल डांसर करता है तो बोलता है देखो कैसे लड़की की तरह डांस कर रहे हैं, मगर उनको पता ही नहीं चलता कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक डांसर, जो डांसर मेल फीमेल कोई नहीं होता, वो जो भी कैरेक्टर कर रहा है उसको ठीक से करना, यही सबसे बड़ी बात है। भूमिका उदास एंड भूमिका आज जो कृष्ण रास हुआ था यहाँ पर राधा बनी हुई थी, भूमिका कैसा महसूस हुआ तुम्हें आज? पहली बार मैं राधा बनी हूँ एंड डांस मैं अबाउट आफ्टर 7 ईयर्स मैं कर रही हूँ, तो मेरे लिए वापस डांस उठाना इतना मुश्किल मतलब नहीं था, बट डिफ़िकल्टीज आई, बट अपने टीचर, अपने गुरुजी के वजह से, उनके सपोर्ट, उनके मोटिवेशन के वजह से आज मुझ में इतनी एनर्जी, इतनी कैपेबिलिटीज़ मुझे खुद फील हो रही हैं कि मैं राधा जी का रोल प्ले कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग गर्ल, ट्रांस वुमेन ऑफ ओडिशा, वेरी फेमस आयशा बेहरा विद मी। आयशा, कैसा आज घुंघरू पूजा हुआ तुम्हारा और आज मंच प्रवेश भी हुआ, कैसा महसूस हो रहा है? धन्यवाद सर। आज तो वर्ल्ड डांस डे है एंड वर्ल्ड डांस डे में मेरा घुंघरू पूजा हुआ एंड मेरा पहला परफॉर्म है जो मैं हूँ उस तरह, क्योंकि मैं पहले भी डांस कर चुकी हूँ लेकिन वो मेरी आइडेंटिटी के साथ नहीं मैच कर रहा था। सब लोग बोलते थे कि तुम खुला बॉडी में नाचना है, तो मैंने अपना डांस छोड़ दी थी। बट थैंक यू सासो जोशी सर कि मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मैं जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करके मुझे वही कॉस्ट्यूम दे के इस डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड मैं बहुत गर्व करती हूँ खुद पे कि हर जगह पे, हर फील्ड में, सिर्फ मेल एंड फीमेल नहीं, ट्रांसजेंडर लोगों को भी आगे जाना चाहिए। एंड नाउ आई एम कमिंग विद माय गुरुजी सासो जोशी सर जी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। कृष्णा, एक ऐसे नैरेटिव है हमारे इंडियन क्लासिकल डांस में जिनका उपस्थिति हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। क्लासिकल एकेडमी ओडिसी डांस के अलावा फोक डांस को भी सपोर्ट करती है और इस मौके पर फोक डांस के लिए एक अलग दिन रखा गया जहां पर उड़ीसा के फोक डांसेस को दिखाया गया। को हम लोग गुरुत्व दिए थे और इस दौरान हमारे साथ गुरु पंकज चरण दास जो कि ओडिसी के आदि गुरु हैं, उनके सुपुत्र गुरु शरद दास आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं गुरुजी को हमेशा बहुत तहे दिल से मानता हूँ, पिता की तरह हैं, पितृतुल्य हैं और सबसे बड़ी बात है हमको गाइडेंस इतना देते हैं जो कि घराना आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि ओडिसी नृत्य का सबसे पुराना घराना मंदिर से जुड़ा हुआ है, जैसे महारी नृत्य के बारे में हर कोई जानते हैं और आदि गुरु गुरु पंकज चरण दास का महारी नृत्य परंपरा के साथ एक ऐसा ही संपर्क था। गुरु का जो थे हमारे चारों महान गुरु, पंकज चरण दास, कविचरण महापात्र, देवप्रसाद दास एंड मायाधर राउत, इन चारों को थोड़ा फॉलो करना चाहिए। इन चारों ने जो सब डांस कर दिया है, जो सब डांस कोरियोग्राफी किया है, उसको अपना भविष्य बनाना चाहिए। आज गुरु माँ गुरु सुहाग नलिनी दास जो कि आदि गुरु पंकज चरण दास के पुत्र वधु हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं और उनके जो सारे संप्रदाय ऑर्गेनाइजेशन है, सारे बच्चे आज यहाँ पर परफॉर्म किए। मेरे बच्चों को बहुत सुजग मिला है लास्य कला का, तो ये से
शाश्वत जोशी जो दिया है। डांस को एक एंटरटेनमेंट के बेसिस से आप मत लीजिए, डांस इटसेल्फ ए मैसेज फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल एंड फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल। यानी कुल मिला के लासिक कला अकेडमी और ग्लोबल डांस गुरु शास्त्री जोशी की कोशिश भारतीय नृत्य और खासकर ओडिसी डांस को वो मकान देने की है जो भारत की उन्नति के साथ आगे बढ़ रहा है। भुवनेश्वर से ब्यूरो रिपोर्ट।